अजमेर नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर लिया है। आज नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन फॉर्म लेने और जमा कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। अजमेर के अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि अजमेर में 5 निकाय में चुनाव होने हैं। अजमेर नगर निगम के लिए 8 रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो वही किशनगढ़ नगर परिषद के लिए 2 और केकड़ी सरवार विजयनगर के लिए 1-1 रिटर्निंग अधिकारी लगाए गए हैं, जो इस चुनाव को लेकर समस्त तैयारी में जुटे हैं। आगामी 15 जनवरी तक नामांकन लिए जाएंगे, 16 जनवरी को नामांकन की छटनी और 20 तारीख को सिंबल अलॉटमेंट किए जाएंगे। 28 जनवरी को मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, तो वही 31 जनवरी को मतगणना की जाएगी। इन सभी के लिए जिला प्रशासन व निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है, जिससे कि निष्पक्ष और निर्भीक रूप से चुनाव आयोजित करवाया जा सके। अजमेर जिले में 5 निकायों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें से नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़ और 3 नगर पालिकाएँ, नगर पालिका केकड़ी सरवाड़ और विजयनगर शामिल है। इनके नामांकन आज प्रारंभ हो गए हैं। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है और इसके बाद 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 20 जनवरी को सिंबल अलॉटमेंट के साथ ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी फाइनल हो जाएंगे और उसके बाद मतदान और मतगणना के निर्धारित कार्यक्रमानुसार सारी गतिविधियाँ होंगी। यहाँ नगर निगम अजमेर के लिए 8 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। 10 वार्ड के लिए 1 रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया है। नगर परिषद किशनगढ़ के लिए 2 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं और अन्य 3 नगर पालिकाओं के लिए 1-1 रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। आज कितने जनों ने नामांकन लिया है और कितने जनों ने भरा है फॉर्म? अभी नामांकन फॉर्म भरना और ये एक ही चीज़ है, आवेदन भरना। तो आज की सूचना अभी संकलित की जा रही है, सभी रिटर्निंग ऑफिसर से सूचना लेकर के और उपलब्ध करवा दी जाएगी।